हाय, दिस इज एन एच ग्रीन फ्रॉम ग्रीन इंग्लिश। आज हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश फिफ्थ चैप्टर मॉडर्न इंग्लिश की सामरी और पैराफ्रेजिंग देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर फिफ्थ मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश पीरियड जो है वह 1500 से आज तक के वक्त को कंसीडर किया जाता है, और इसे जो है दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मॉडर्न इंग्लिश 1, मॉडर्न इंग्लिश 2। और यह इसलिए कि जो बहुत से जो चेंजेस हुए हैं, जो सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल और राजनीतिक जो डेवलपमेंट हुए, वह इंग्लैंड के अंदर या इंग्लैंड से बाहर लास्ट जो 500 साल में जो हुए, इसकी वजह से इंग्लिश जो है काफ़ी उसमें चेंजेस हुए। ओके, इंग्लिश में चेंजेस तो हुए लेकिन उसके बेसिक नेचर में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। और इंग्लिश जो है पूरे वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल लिंक लैंग्वेज की तरह उभरा, और जितने भी फोरम्स हैं, फोरम्स इन द सेंस हम कहते हैं कोई संस्था या ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मीटिंग होती हैं, सभाएं होती हैं, इंटरनेशनल मीटिंग होती हैं, जिसमें जो है उनकी यह ऑफिशियल लैंग्वेज है बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें आप UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके इस्टेब्लिशमेंट 1945 यानी संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में स्थापना हुई। जब स्थापना हुई तो 51 कंट्रीज जो थे इसके मेंबर्स थे, और इन्होंने ओथ लिया कि फ्यूचर में जो है हम कभी भी हिंसा नहीं करेंगे और इंटरनेशनल जो है पीस इस्टेब्लिश करेंगे, सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करेंगे। इसके अलावा UNO और इसकी जितनी भी सहायक इकाइयाँ थीं उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन की ही एक एजेंसी है, और यह पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हेल्थ को जो है मॉनिटर करती है और उस पे वर्क करती है। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यह जो है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देती है, गरीबी को रिड्यूस करती है, उसके लिए वर्क करती है। SAARC जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसके जो मेंबर्स हैं, ये साउथ एशिया में वर्क करती है, इसके जो मेंबर्स हैं उसमें इंडिया इंडिया बांग्लादेश मालदीव्स, उसके अलावा श्रीलंका है, और भी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान भी है। ILO यह इंटरनेशनल लेवल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये लेबर से रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल पे उनको हेल्प करती है। ओके, और इन सब में जो है, इन सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सब की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही है। यही नहीं, इंडिया में भी इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, और इसका इस्तेमाल हम सामाजिक और कमर्शियल लेवल पे भी करते हैं। और इंडियंस जो होते हैं इंग्लिश सीखने में काफ़ी तेज होते हैं, बहुत ही क्विक होते हैं, और इसका कारण यह है कि इंग्लिश भी इंडो यूरोपियन फैमिली की लैंग्वेज से ही आई है, और हमारी जो लैंग्वेज है वो इंडो यूरोपियन फैमिली से ही है, संस्कृत जैसे लैंग्वेज बहुत सी लैंग्वेज निकले हुए हैं। इंग्लिश जो है बहुत सी कंट्री में जो है बहुत गंभीरता से पढ़ाई जाती है, जिसमें चाइना है, जापान है, और कोरिया और इंडोनेशिया है। इंग्लिश जो है इंडिया में भी बोली जाती है, लेकिन यहाँ के अब नौजवान जो है इस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले वक्त में यहाँ पे इस लैंग्वेज में मास्टरी ना हो। और मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट का जो डेवलपमेंट है वह प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से काफ़ी हेल्प मिली, जो 1476 में विलियम कैक्सटन के द्वारा वेस्टमिंस्टर एबे के अंदर किया गया। और इससे इंग्लिश को काफ़ी फ़ायदा मिला कि इंग्लिश की जो है स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन जो है वो स्टैंडर्ड हुई, और इसके अलावा बहुत से जो है अपॉर्चुनिटी मिली वैसे लोगों को जिन्होंने लिखा और उसे व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचाया गया, और यह जो है लिटरेसी में भी काफ़ी मददगार साबित हुई। और ब्रिटिश एम्पायर के बढ़ने की वजह से
उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट कॉमर्स के अंदर, ट्रेड के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, इसकी वजह से भी जो है इंग्लिश काफ़ी डेवलप हुई। और दो टर्म यहाँ दिए हुए हैं जो रिनासा और रिनेसेंस और रिफॉर्मेशन, इनकी वजह से भी इंग्लिश को काफ़ी मदद मिली। रिनेसेंस हिंदी में इसे पुनर्जागरण कहते हैं, जो 14 से 16 सेंचुरी के बीच हुआ था, जिसमें जो है मानव को जागरूक किया गया था, यानी धर्म से अलग मानव के बारे में सोचा गया था। और इसमें जो है जिसे पहले जो जितना भी पॉइंट ऑफ व्यू होता था वो धर्म से रिलेटेड ही होता था, लेकिन यहाँ पे मानव, नेचर, ब्यूटी, इनको मेन में लाया गया। इसे पुनर्जागरण हम कहते हैं। और रिफॉर्मेशन, धर्म में जो सुधार हुए, क्योंकि चर्च के अंदर काफ़ी करप्शन थी, उस करप्शन को दूर करने के लिए जो मेन दो नाम आते हैं, जिसमें मार्टिन लूथर का भी नाम है और एक रेस्मस जिनके जिनका वर्क है प्रेज ऑफ फॉली, वो भी इसके लिए काफ़ी वर्क किए। तो ये दोनों, रिनासा और रिफॉर्मेशन, काफ़ी हेल्प करती हैं, हेल्प की इंग्लिश के डेवलपमेंट में। और वोकेबुलरी जो है इंग्लिश के अंदर जब इतनी ग्रोथ हुई तो ऐसा लगा कि वोकेबुलरी कम पड़ने लगे, तो इंग्लिश लोगों ने क्या किया, दूसरे लैंग्वेज से वोकेबुलरी को लेना शुरू किया, जिसमें लैटिन, फ्रेंच और ग्रीक, इटालियन, स्पैनिश और बहुत दूसरी लैंग्वेज से ली गई, जिसमें एशियन लैंग्वेज भी थी, अफ्रीकन लैंग्वेज भी थी। और कुछ लोग थे कुछ जो चाहते थे कि ऐसा ना किया जाए, वैसे लोगों को प्यूरिस्ट कहा जाता है। और कुछ वर्ड्स जैसे लिए गए हैं लैंग्वेज से, जैसे लैटिन और ग्रीक से एडॉप्ट, अप्रोप्रिएट, फ्रेंच से भी कुछ वर्ड्स लिए गए हैं, पासपोर्ट, टिकट, चॉकलेट, हिंदी से गुरु, पंडित, सिपाही, अरेबिक से वर्ड्स लिए गए, सुल्तान, शेख, अलजेब्रा, हशिश, इटालियन से, पुर्तुगीज से कुछ वर्ड्स लिए गए, बुफैलो, बरेंडा, पर्शियन से वर्ड्स लिए गए, बाजार, कारवान और भी हैं, स्पैनिश से वर्ड लिए गए, डच से वर्ड लिए गए, टर्किश से कॉफ़ी, कियोस्क, योगर्ट, ऐसे वर्ड्स, और अफ्रीकन से भी वर्ड्स लिए गए। ग्रामर में अगर देखें तो वर्ड मीनिंग में तो काफ़ी चेंजेस, वर्ड में काफ़ी चेंजेस हुए, लेकिन ग्रामर जो है फिर भी कंजर्वेटिव रहा। कुछ चेंजेस हुई भी, लेकिन उस चेंजेस से लैंग्वेज पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, जिससे लिटरेचर को पढ़ना बहुत ही आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और इस वक्त के जो कुछ फेमस राइटर्स थे, एडमंड स्पेंसर जिनके वर्क फेरी क्वीन हैं, क्रिस्टोफर मार्ले मार्लो जिनके एडवर्ड सेकेंड, और डॉक्टर फॉस्टस द ज्यू ऑफ माल्टा, फ्रांसिस बेकन के एसे और बेन जॉनसन के वॉलपोनी, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, द अल्केमिस्ट, ऐसे वर्क इनके, शेक्सपियर के तो काफ़ी वर्क्स हैं, 37 जो है इन्होंने ड्रामास लिखी हैं, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, सिम्बेलिन और बहुत से वर्क हैं। पूरे क्रोनिकल की सीरीज ही है, हिस्टोरिकल यानी प्ले जिसको कहते हैं, जिसमें हेनरी, रिचर्ड, ऐसे। ऑथराइज वर्जन ऑफ बाइबल जो है यह 1611 में किंग जेम फर्स्ट के द्वारा 47 स्कॉलर्स थे, 6 ग्रुपों में बांटा गया और इसका पब्लिकेशन हुआ। ये इंग्लिश में काफ़ी हेल्प की, और शेक्सपियर की राइटिंग भी काफ़ी हेल्प की। और ये शेक्सपियर के एज को ही एलिजाबेथन एज कहा जाता है, क्योंकि एलिजाबेथन उस वक्त क्वीन थी, जो 1558 से 1603 तक वहाँ की क्वीन रहे। और जो ऊपर जो राइटर्स हैं, जैसे एडमंड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो, ये सारे एलिजाबेथन एज से ही आते हैं। 18th सेंचुरी को हम ऑगस्टन एज भी कहते हैं। इसमें जो है कुछ और डेवलपमेंट हुई, जिसमें ग्रामर की किताबें, डिक्शनरी आई, और ये डिक्शनरी में सैमुअल जॉनसन ने 1755 में एक डिक्शनरी पब्लिश की, जिसका नाम था डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। और इन्होंने 9 साल के मेहनत से, वैसे यहाँ पे 7 ईयर्स है लेकिन 9th ईयर होना चाहिए, 9 साल के मेहनत से यह जो है डिक्शनरी पब्लिश हुई। और कुछ और ग्रामर्स 18th सेंचुरी के जो हैं, जिसमें विलियम लॉकटन उनकी बुक प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ द इंग्लिश टंग, जोसेफ प्रीस्टले इनकी किताब द रूडिमेंट ऑफ इंग्लिश ग्रामर है, रॉबर्ट लाउथ इनकी जो वर्क है शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर है, जेम्स बोचेनन या बकनन जो भी हो प्रोनंसिएशन, इनका जो वर्क है द ब्रिटिश ग्रामर, और लिंडले मुरे इनका वर्क है इंग्लिश ग्रामर। और ये ग्रामेरियन जो थे इनके 3 उद्देश्य थे। पहला ये कि इंग्लिश सेंटेंस को एक स्ट्रक्चर दिया जाए, एक व्यवस्थित नियम दिया जाए, और दूसरा वैसे
किस के बारे में डिस्कस किया जाए, उनके यूज़ के बारे में, और फाइनली जो है उनके करेक्ट यूज़ को जो है वह लिखा जाए। और इंग्लिश जो है इन इस मेथड के द्वारा काफ़ी मजबूत हुआ। और इसके कंक्लूजन में हम देखते हैं कि 18th सेंचुरी के जो ग्रामेरियंस थे उन्होंने काफ़ी इस लैंग्वेज को एक ऑर्डर देने में काफ़ी मदद की, क्योंकि उससे पहले जो इंग्लिश थी वो ऐसे ऑर्डर में थी, केओटिक ऑर्डर में थी। केओटिक बोलते हैं अस्त व्यवस्त ऑर्डर में होना। और इंग्लिश जो है जो ब्रिटिश आयल के अंदर ही ज़्यादातर शुरू में फैला, लेकिन 18th सेंचुरी के बाद यह इंग्लिश लैंग्वेज जो है इंग्लैंड के किनारे से निकलते हुए वर्ल्ड के सारे जगह पे यह फैलने लगी। और इसके बहुत से कारण थे, कुछ सामाजिक कुछ राजनीतिक कारण भी थे। और फिर मॉडर्न इंग्लिश जो 2 पीरियड है वह शुरू हुई, और इंग्लिश जो है एक्सपैंड की, बहुत ही फैली, और उसके अंदर बहुत सी विविधताएं भी आई, डिफरेंसेस भी आई। और 19th और 20th सेंचुरी के बारे में जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिलेगा। वैसे मैंने इस पे एक टेक्स्ट पे भी बनाई है वीडियो, आप ग्रीन इंग्लिश में जाकर प्लेलिस्ट में 12th में जाकर वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।